एक आवश्यक सूचना। इस कार्यक्रम में भगवद गीता को क्रमबद्ध रूप में समझाया जा रहा है। पहले बेसिक कोर्स, तत्पश्चात भगवद गीता के श्लोकों पर चर्चा की जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को प्रथम एपिसोड से नहीं देख रहे हैं तो हमारा यह गंभीर सुझाव है कि आप पिछले एपिसोड्स को अवश्य देखें, जिससे आप इस ज्ञान को सही तरह से समझ सकें और जीवन में लगा सकें। धन्यवाद। इन एपिसोड्स के DVD एवं MP3 सेट्स प्राप्त करने हेतु आप हमें 0921053 1053 या givegeeta@gmail.com पर एपिसोड DVD लिखकर मैसेज कर सकते हैं। पहले 10 एपिसोड्स आप हमारे YouTube चैनल पर स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक www.bit.ly/giveytb सब पर जाकर देख सकते हैं। श्री वृंदावन चंद्र दास जी का परिचय। आप श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं और गिव के संस्थापक एवं शिक्षा गुरु हैं। आप 5 सितारा होटल के जनरल मैनेजर रह चुके हैं। आप पिछले 33 वर्षों से देश विदेश में भगवद गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जय गौर हरि। हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से इस सत्र में स्वागत करते हैं और हम सब मिलकर श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई श्री प्रभुपाद एवं समस्त भक्त वृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम इन सत्रों से लाभ उठा सकें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अब कृपा करके सब अपने हाथ उठा लीजिएगा शरणागत भाव से और मेरे साथ साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जिज्ञासा करो कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है, वाई, और इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए। इस अथतो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ यही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना सोना मैथुन क्रिया, और बचाव करना तो अब हर जीवन में मतलब हर योनि में करते हो, परंतु अब अथतो अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब इन चारों से ऊपर उठकर और भी जिज्ञासा कर। इन सिर्फ चार जिज्ञासाओं, इन चार चीजों की जिज्ञासा में मत फंस। जैसे मैं पहले बचा चुका हूं कि आज आप IIT करते हो, बिजनेस करते हो, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सर्विस में टॉप पे आना चाहते हो, कोई भी कार्य करना चाहते हो, इन चार चीजों के सिवा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। आज तो योग को भी इसी पे ले आए हम कि किस लिए सेहत अच्छी होनी चाहिए, कि खाता रहूं मरते दम तक अच्छा खाता रहूं, इंद्रियां सुदृढ़ रहे। नहीं, योग का मतलब है, योग शुरू होता है उससे, यह जानना कि मैं किससे योग करूं, क्यों योग करूं, क्यों जुड़ूं। तो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र यही है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म का मतलब घबराइए मत, ब्रह्म का मतलब अध्यात्म, अध्यात्म मतलब अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा करो। क्या जिज्ञासा? धर्म। अध्यात्म ज्ञान का एक और मतलब क्या है? धर्म। अभी चर्चा करूंगा, चिंता मत करिए आप कि धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है। हम लोग धर्म धर्म की बात करते हैं परंतु यह भी नहीं जानते कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। समय समय पर सब कुछ बताता जाऊंगा, चिंता ना करिए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप द्विपद पशु ना रह जाए। आपको ये क्या बोल दिया आपने, नया शब्द? हां, भागवत में कहा गया है कि जो ब्रह्म मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये ब्रह्म आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा नहीं करता, वो दो पैरों का पशु है। द्वि पद पशु, दो पैरों का पशु। बता चुका हूं मैं आपको कि टेबल पर बैठ के खाने से आप मनुष्य नहीं बन जाते, प्रक्रिया वही है खाने की। बड़े बड़े बिस्तरों पर सोने से आप मनुष्य नहीं बन जाते, प्रक्रिया वही है सोने की निद्रा। मैथुन क्रिया कमरे में करो या बाहर करो, बात तो एक है, क्रिया वही रहती है। और बचाव करो बमों से, इंश्योरेंस से, या पैसे इकट्ठे करके, या बच्चों को अपना आश्रय बनाओ, या बच्चे माता पिता को अपना आश्रय बनाएं। ये बचाव, सब बचाव के तरीके हैं।
सिर्फ ये करने से आप मनुष्य नहीं बन जाते जब तक कि आप ये जानने की कोशिश नहीं करते। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म है क्या, ये अध्यात्म है क्या। ब्रह्म का मतलब मैं यहां क्यों हूं, ये सृष्टि क्यों है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं मृत्यु के समय क्या होगा, ये सब है ब्रह्म जिज्ञासा। एक व्यक्ति अच्छे घर में पैदा हुआ है, पैसे के घर में एक व्यक्ति बचपन से पैसे के लिए तड़प रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। नेता बनना चाहते हो, बड़े नेता के घर में पैदा हो गए तो क्या हुआ, पैदा होते ही नेता बन गए। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है प्राप्त करने के लिए, और दूसरे व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो गई। एक व्यक्ति पैसे वाले घर में पैदा होके भी शरीर से अस्वस्थ है बचपन से, और एक गरीब घर में पैदा होके भी शरीर से हिष्ट पुष्ट है, ऐसा क्यों है। इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी फल नहीं मिलते, ऐसा क्यों। ये सब ब्रह्म जिज्ञासा में आता है। किसमें आता है, ब्रह्म जिज्ञासा में। परंतु शुरुआत किससे है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को मैं कैसे प्राप्त करूंगा। सिर्फ भगवान की कहानियां सुनने से काम नहीं चलेगा। कहानियां सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, परंतु पहले शास्त्र में कहा गया है, पहले जानने की कोशिश कर के ब्रह्म क्या है, तू क्या है, अध्यात्म क्या है, ये धर्म क्या है, इन सब को जानने के बाद प्रवेश करेंगे, उससे पहले नहीं। तो विश्व में जो भी चीजें हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, इन सब के बारे में जानना। हाँ, क्या जानना, ये नहीं कि घास कैसे उग रही है, टाइम वेस्ट मत करो, घास को उगने दो, गाय को खाने दो तो दूध पी, पैसे वेस्ट करते हैं, घास देख रहे हैं घास कैसे उग रही है, अरे तो उग ही रही है, तेरे साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के बगैर भी उग रही है, हैं? मशीन बना जिससे घास आए उस मशीन में डाल दें फिर वो दूध दे दे, तब तो तेरी अकलमंदी है, हैं जी? नहीं, घास के अंदर यही है, वो तो है ही। तो टाइम वेस्ट मत करिए, समय नहीं है आपके पास, हमारे किसी के पास नहीं है समय, समय बहुत तेज चल रहा है यूं, इसलिए कहा गया ब्रह्म जिज्ञासा। अब समझिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, हम आप समक्ष कुछ प्रश्न रखेंगे जो कि मनुष्य इसकी जिज्ञासा कर सकते हैं, जिसको कि हम ब्रह्म जिज्ञासा भी कह सकते हैं। तो ये जिज्ञासा शब्द जो है, अब प्रश्न उठता है कि जिज्ञासा किस, क्या चीज ही करें, क्या प्रश्नों की जिज्ञासा करें। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, आप सबने हवाई जहाज तो देखा होगा उड़ते हुए, कभी सोचा कि उस व्यक्ति का क्या दिमाग होगा, क्या बुद्धि होगी जिसने 300 लोगों को हवाई जहाज बिठा के उड़ा दिया, हैं जी? अब मनुष्य शरीर आपको जो प्राप्त हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपको गहराई में और जाना चाहिए। क्या गहराई है कि उस व्यक्ति का क्या दिमाग होगा जिसने कि इस पृथ्वी के ऊपर जिसमें कि करोड़ों करोड़ों जीव हैं, अरबों, हवा में उड़ रहा है। वाह, क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति का, क्योंकि दिमाग तो ध्यान रखिएगा हवा में तो हो नहीं सकता, बुद्धि किसी बुद्धिमान के पास होगी। तो अब पहला प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश करिए, पहले क्या जिज्ञासा करिए कि इसको कोई बनाने वाला है क्या, तो उत्तर मिलेगा हां, होना ही चाहिए। आप देखते हैं आजकल नए नए कैमरे आ गए, कहते हैं 3D कैमरा आ गया, 3D, परंतु साहब
हमारे पर दादा के पास भी 3D कैमरा था। आप कहोगे कैसे, बोले ये दोनों आंखें क्या है, हैं जी, आज कोई इसकी नकल मारकर कैमरा बना देता है तो उसको तो आप क्या देते हो, पुरस्कार, उसका नाम आता है हर जगह, सब मानते हैं कि नहीं इसको बनाने वाला कोई है, परंतु इस कैमरे को बनाने वाला कोई नहीं है, हैं जी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बनाने वाला ना हो। अपने आप कोई चीज बनती नहीं है, अपने आप कोई चीज नहीं बनती। घर अपने आप बनता है जी, गाड़ी अपने आप बन के आ गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें जो होती हैं इसमें उतना ज्यादा बुद्धि लगती है, सबसे कम बुद्धि किसमें लगेगी, झोपड़ी को बनाने में। परंतु अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जैसे कि 100 मंजिल की इमारत, कितनी है दुनिया में, सो आप गिनी चुनी है, क्योंकि उसमें बुद्धि भी उतनी ज्यादा लगती है। तो आप देखिए ये पृथ्वी को देखिए, इसमें इतनी सी सारी इमारतें खड़ी हैं, हैं जी, किसी ने तो बनाया होगा। तो पहली चीज ये कि हां बनाने वाला कोई है। फिर साथ में ये भी जानने की कोशिश करिए, जिज्ञासा करिए कि उसने क्यों बनाया, क्यों बनाया। ये जिज्ञासा आप कर सकते हो, वो कौन है बनाने वाला, ये अगली जिज्ञासा। फिर उससे आगे जिज्ञासा क्या करो कि एक जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या भेद है, क्या कोई भेद है। हां जी, भेद तो है, मृत शरीर जड़ है, मृत है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जीवित शरीर में चेतना है, क्या है प्रभु जी, चेतना है, जीवन है। प्रश्न क्या उठना चाहिए कि जीवित शरीर जीवित क्यों है, क्योंकि उसमें जीवन है, चेतना है, और मृत शरीर मृत इसलिए है कि उसमें जीवन है और चेतना नहीं है। अब अगला प्रश्न, यह चेतना या जीवन किसके कारण है, क्योंकि जीवन तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। क्या इस चेतना या जीवन का कोई सूत्र है, जैसे कि जब आप बाहर निकलते हो दिन के समय तो धूप फैली हुई है चारों तरफ, उसका सूत्र क्या है, सूर्य। इसी तरीके से क्या इस जीवन को देने जो देता है वो भी कोई सूत्र है। हां जी, इस पर और चर्चा करेंगे डिटेल में, परंतु ये आपका काम है ये प्रश्न करना कि वो कौन है, वो क्या चीज है जो चेतना दे रही है, जीवन दे रहा है, दे रही है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सोल, संस्कृत में कहते हैं आत्मा या जीव। अब अगला प्रश्न जो इसी से जुड़ा हुआ है कि यदि, जो एक्चुअली यदि नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं सोल हूं, तो मेरा जो पहला प्रश्न था जिसने सृष्टि की रचना करी है उसके साथ क्या कोई संबंध है, हैं जी, उसके साथ क्या कोई संबंध है, होना तो चाहिए, जिसने सब कुछ बनाया है उसके साथ कोई संबंध तो होना चाहिए, और है तो वो संबंध क्या है, वो संबंध क्या है। और पता लग जाने पे कि संबंध क्या है, पूर्णता नहीं है,
अब उस संबंध में कार्य कैसे करना है। जैसे कि मुझे याद है आज से 40 साल पहले फिल्में बना करती थी, अभी भी बनती होंगी, जिसमें कि भाई बिछड़ गए, आपस में लड़ रहे हैं, परंतु जिस दिन पता लग गया कि वो भाई हैं, एक ही पिता से उत्पन्न हुए हुए हैं, वो दुश्मनी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं हम भाई भाई हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो भाई भाई जान के अलग चले जाते हैं? नहीं, वो उस भाई जो भाईचारा है उसमें कार्य करते हैं कि भाई को भाई के साथ कैसा कार्य करना चाहिए, जो बड़ा है उसके साथ हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, जो छोटा है उसके साथ कैसे करना चाहिए, है ना। ये बातें आती हैं कि नहीं आती हैं? तो उस बनाने वाले के साथ, क्रिएटर, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उसमें कैसे कार्य करने। हमने ज्यादातर देखा है कि हमने जब जो दूसरा प्रश्न किया था कि ये चेतना को देने वाली कोई चीज है, तो ज्यादातर कई बार लोग कह देते हैं साहब ये भी तो हो सकता है कि चेतना किस तरीके से है, बैटरी की तरह, बैटरी खत्म हो गई, बस शरीर खत्म, कोई आत्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं। परंतु ध्यान रखिएगा, विज्ञान भी करता है एक चीज, कहते हैं उसको हाइपोथेसिस, हो सकता है, हो सकता है, नहीं है, परंतु विज्ञान चलता है हो सकता है। इसीलिए अगर बैटरी है ठीक है भूल जाओ, परंतु यदि बैटरी नहीं है, कोई और चीज है हमारे शरीर में जो जीवन दे रही है, जो शरीर को त्याग देती है, तो शरीर क्या हो जाता है, जीवनहीन हो जाता है, मृत हो जाता है। तो हम भी वैज्ञानिकों की तरह चल रहे हैं, हम भी किसी तरह चल रहे हैं, वैज्ञानिकों की तरह। इसके बाद और चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए, इस आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे। बगैर इस पर चर्चा करें आध्यात्म शुरू ही नहीं हो सकता। अब प्रश्न अगला, आप पूछोगे कि हां जी इन प्रश्नों का ज्ञान कहां मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आध्यात्मिक ज्ञान के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान या धर्म में मिलता है। हां, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फिर से मैं बार बार धर्म बोल रहा हूं, धर्म सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता। यदि आप सोचे सिर्फ आप मंदिर जाने से धार्मिक हो जाते हैं, नहीं, गलती मत कर बैठिएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं मंदिर जाना जरूरी है, परंतु यदि आप ये सोचें कि सिर्फ मंदिर जाने से काम हो गया और आप धार्मिक हो गए, तो ये निकाल दीजिएगा दिमाग से, क्योंकि धर्म का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान लेना और उस पर चलना। तो अब यह प्रश्न उठता है, जब ये शास्त्रों को धार्मिक पुस्तक भी कहा जाता है, धर्म की पुस्तक, जब ये शास्त्रों को धर्म की पुस्तक, आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक, दिव्य ज्ञान की पुस्तक, योग की पुस्तक, ये सब नामों से बुलाया जाता है, तो अब फिर से लौट के आते हैं कि इन ज्ञान की, हमें ज्ञान कहां से मिले। तो देखिए भौतिक जगत में आप ज्ञान कहां से लेते हैं, तीन जगहों से लेते हैं आप भौतिक ज्ञान। एक, पहला जो सब आपको मालूम है, किताबों से। जब आप भौतिक ज्ञान भी लेने जाते हैं तो कहां से लेते हैं, किताबों से। परंतु किताबों को किससे समझते हैं, टीचर से, शिक्षक से, है ना जी, किससे समझते हो, टीचर के पास जाते हो, कॉलेज और स्कूल क्यों जाते हो, किताब तो आप घर में भी पढ़ सकते हो। परंतु आप तक आज तक देखा है आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करता हुआ व्यक्ति, जो कॉरेस्पॉन्डेंस, वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पत्राचार द्वारा जो पढ़ाई करते हैं वो फर्स्ट नहीं आते, जो कॉलेज में जाते हैं वो फर्स्ट आते हैं, और जो टीचर से संबंध करते हैं उनको ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि किताबों को कौन अच्छी तरह समझाता है, टीचर। और तीसरा, आपके सहपाठी, सहपाठी में आते हैं तीन सहपाठी, एक जो आपसे सीनियर क्लास में, आपसे ऊंची क्लास में, जो लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, मेडिकल कॉलेज में गए हैं,
मतलब जिन्होंने तकनीकी ज्ञान लिया है और जो आके हॉस्टल में रहे हैं उनको इस बात का ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो अपने जो सीनियर हैं जो उनसे उच्च शिक्षा उसमें है क्लासों में, उनसे वो सीखते हैं। आपसे अपने से जो नीचे कम क्लास के अंदर है उनको वो सिखाते हैं और सिखाने से सीखते हैं और अपने साथ वालों से वो चर्चा कर ज्ञान लेते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सहपाठी। तो क्या हुआ, तीन पुस्तकें, दूसरा टीचर शिक्षक और तीसरा सहपाठी जो उस ज्ञान को ले रहे हैं। हाँ जी, इसी तरीके से यह आध्यात्मिक ज्ञान को भी तीन ही जगहों से लिया जाता है। अब आध्यात्मिक ज्ञान की शब्दाकोश में इनको थोड़ा अलग अलग शब्द दे दिया गया है, जैसे कि किताबों को शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, पुस्तकों को शास्त्र, टीचर शिक्षक को गुरु और सहपाठी को साधु। तो क्या 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 कहा गया, साधु गुरु और शास्त्र। किससे लेते हो ये ज्ञान, साधु गुरु और शास्त्र से। तो ध्यान रखिएगा एकदम क्लियर, सबका सब आधार है किताबें शास्त्र। गुरु भी किसमें से बोलता है, शास्त्रों में से। सहपाठी या साधु भी किस पे चर्चा करते हैं, शास्त्र से। तो गुरु साधु और शास्त्र। आपकी संस्थान गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव सरकार द्वारा पंजीकृत एक ट्रस्ट है। गिव का एक ही उद्देश्य है, जन जन को भगवद गीता का अतुलनीय ज्ञान प्रदान कर उन्हें एक सुखी तनाव मुक्त एवं सफल जीवन जीने की कला से अवगत कराना। विश्व में पहली बार गिव प्रस्तुत करता है भगवद गीता पर ऑडियो वीडियो कॉरेस्पोंडेंस कोर्स, श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा अत्यंत सरल एवं वैज्ञानिक व्याख्या। इस कोर्स के DVD सेट को हिंदी या इंग्लिश भाषा में प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए नंबर या ईमेल पर हिंदी DVD या इंग्लिश DVD लिखकर मैसेज करें। कोर्स के DVD सेट को हमारे eBay पोर्टल से प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए लिंक www.bit.ly/giveeBay पर जाएं। यदि आप अपने WhatsApp या ईमेल अकाउंट पर श्री वृंदावन चंद्र दास जी की क्लिप्स प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए URL www.bit.ly/give सब पर जाकर सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रश्न हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। कृपया अभी तक दिखाए गए एपिसोड्स में से ही प्रश्न कीजिएगा। भगवत गीता प्रचार में सहयोगी बन भगवान के प्रिय बने और साथ ही साथ जीवन यापन भी करें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। यदि आप भगवत गीता प्रचार आंदोलन में अपना पूरा जीवन देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे गीता प्रचार सेवा सहयोगियों में से कुछ का परिचय इस प्रकार है। दिल्ली से श्री संदीप चड्ढा जी, यह इंडियन नेवी से रिटायर्ड कमांडर हैं। ग्वालियर से श्री राजकुमार सिंधिया जी एवं आमेर से नित्याराम शर्मा जी। आप भी इसी प्रकार भगवद गीता की विद्या को जन जन तक पहुँचाने हेतु सहयोग कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक विद्या के लिए दिया गया दान ही महादान है। यदि आप विद्या दान करना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं। दान राशि पर ATG अधिनियम के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट उपलब्ध है। सहयोगी बनने हेतु हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय गौर हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।